जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का, बहुत ही शॉर्ट में पूरे साइंस को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। कम से कम एक से दो चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एक से दो दिन में पूरे साइंस को, फिजिक्स को तो खत्म कर देंगे और न्यूमेरिकल भी लगवा देंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप लोग अच्छे तरीके से देख लिए। जैसे मैथ का टोटल क्वेश्चन फंसा था, वैसे ही टोटल क्या होगा बेटा, साइंस का भी सब क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। थ्योरी भी फंसेगी और न्यूमेरिकल भी फंसेगा, तो हिम्मत और जुनून के साथ लगे रहना आप लोग और अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चलो तो पहला आते हैं बेटा, हम इस पे फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिजिक्स देखते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे चल के फिर केमिस्ट्री देखेंगे। फिजिक्स में पहला क्या है बेटा, पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या है बाबू, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये देखेंगे बेटा हम लोग। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होती है। तो प्रकाश क्या होता है बेटा, हम देखेंगे प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होती है बेटा, लाइट क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या होगा बेटा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो लिख लेना आप लोग, प्रकाश एक प्रकार की, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में, हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। कर लोगे बेटा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बाबू प्रकाश हो जाएगा प्रकाश के गुण, यह भी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के गुण, प्रकाश का गुण कौन कौन सा है। तो प्रकाश की गुण अगर देखेंगे हम लोग बेटा, तो प्रकाश का गुण क्या होता है, तो प्रकाश क्या होती है, सबसे पहले प्रकाश सरल रेखा में चलती है, प्रकाश सरल रेखा में चलती है, हो जाएगा बेटा प्रकाश सरल रेखा में चलती है या सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का, प्रकाश का निर्वात में चाल, निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यह हो जाएगा बेटा। तीसरा क्या होगा बेटा, चमकदार सतहों से, चमकदार सतह से, सतह से प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है बेटा, किसी चमकदार सतह हो या कोई चमकदार सतह हो तो वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें सभी वस्तु दिखाई देती है। दूसरा क्या बेटा, प्रकाश सरल रेखा में चलती है। तीसरा क्या होता है, प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरा क्या बेटा, अगला क्या है, चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। और चौथा क्या है बेटा, अपारदर्शी माध्यम से, अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता, प्रकाश नहीं गुजरता, हो जाएगा बेटा। चौथा क्या है, पांचवा क्या होगा बेटा, कि प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए, चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की जरूरत या आवश्यकता नहीं होती, हो जाएगा बेटा आवश्यकता नहीं होती। इतना आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। पांच पॉइंट लिखवा दिए हैं, लिखवाने को तो बहुत सारे लिखवा सकते हैं बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट पांच टॉपिक लिखवा दिए हैं। प्रकाश सरल रेखा या सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश का निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है, अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश नहीं गुजरता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इतना कर लोगे आप लोग। उसके बाद बेटा आ जाओ देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, क्या देखेंगे बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन देखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से और उसको तैयार भी करेंगे। क्या होगा बेटा,
प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग देखोगे बेटा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, प्रकाश क्या होता है बेटा, कोई चमकदार या चिकनी सतह हो तो प्रकाश की किरण उस पर आती है और टकराती है, टकरा कर क्या होता है बेटा, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे प्रकाश की किरण आएगी यहाँ पे, टकराई, इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो क्या होता है उसकी इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उसकी यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है बेटा। इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बेटा? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? परावर्तित किरण। इसको क्या कहते हैं बेटा? परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह टकराती है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इतना हो जाएगा बेटा, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर इस तल के लंबवत जो लंब खींचा जाता है इसको कहते हैं बेटा अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं इसको। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो यहां से जब देखोगे बेटा, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम कोण आई आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपतन कोण कहते हैं। हो जाएगा इतना। इसके और इसके बीच में एक कोण बनता है जिसे कोण आर, क्या कहते हैं बेटा? परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद बेटा पूछता है परावर्तन के नियम। क्या पूछता है? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा? दो नियम होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं बेटा? एक ही तल में होते हैं। तो लिखना बाबू, क्या लिखोगे? आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर, बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं बेटा? तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। हो जाएगा बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या होता है बेटा? दो नियम होते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा? यह आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा हमेशा बराबर होते हैं। क्या होगा बेटा? आपतन कोण जो होगा यह क्या होगा? बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतलब आपतन कोण कोण आई बराबर होगा बेटा कोण आर के। यह बाबू प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है यह? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमेशा पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार सतह से टकराती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसकी यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर दो, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है बेटा? सदैव बराबर होता है। इतना आप लोग कर लोगे, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आ जाओ बेटा आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे बाबू? इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब। क्या देखेंगे? प्रतिबिंब। इसको नोट कर लेना आप लोग, मिटाते हम। क्या देखेंगे बेटा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरण परावर्तन, कम से कम दो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, पहले बिंदु का क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब कहते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, अच्छा नहीं दिखा ना। चलो अब से खींच दे रहे हैं, और नहीं खींच दे रहे हैं तो स्केल रख के खींच दे रहे हैं, अभी सीधा बन जाएगा, टेंशन मत लेना आप लोग। देखो स्केल रखे इसीलिए, इसी से रख के खींच देंगे। चलो अब सीधा बन जाएगा, अब नहीं दिक्कत है ना। तो क्या होगा बेटा? ये मान लिया एक समतल दर्पण है। क्या है? एक समतल दर्पण है, ठीक है बाबू। और हम लोगों को पढ़ना क्या है? प्रतिबिंब। क्या पढ़ना बेटा? प्रतिबिंब पढ़ना है। तो प्रतिबिंब क्या होगा? इमेज क्या होता बेटा? कि जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, क्या रखा है? यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, मान लिया ए, ए डैश, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, या ए बी, क्या रखा है? वस्तु रखा ए बी। यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी बेटा,
ऐसे जाएगी, जैसे जाएगी वैसे वो वापस लौट आएगी। इसे क्या कहेंगे हम लोग? आपतित किरण। और इसी को क्या कहेंगे बेटा? परावर्तित किरण। मान लिया दूसरी किरण ऐसे जा रही हो बेटा, ऐसे जाएगी तो ये ऐसे आएगी, इसको क्या कहेंगे बेटा? परावर्तित किरण। और इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे कुछ इस प्रकार जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे कुछ इस प्रकार जाएगा, यह क्या होगा बेटा? पहले वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा, यही क्या होगा बेटा? प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब बनने के लिए बेटा जब दो परावर्तित किरणें, देखो बेटा यह भी परावर्तित किरण है समझ लो, यह भी इधर आ रहा है, इसे बढ़ाए हैं पीछे की तरफ, यह भी परावर्तित किरण है। जब दो परावर्तित किरणें आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखो बेटा अगर हम यहाँ पे एक दर्पण बना दे, कोई एक दर्पण बना दे, आपको भी दर्पण के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे कि दर्पण क्या होता है, कैसा होता है, तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ से मान लिया एक मुख्य अक्ष खींच दे रहे हैं, अभी आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, यहाँ पे बेटा हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को रख दे रहे हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण लेके जा रहे हैं, यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे आ रहा है, और यहाँ से प्रकाश की किरण कोई दूसरा लेके जा रहे हैं बेटा, यहाँ से मान लिया यहाँ से लेके जा रहे हैं, यहाँ से लेके दो दूसरा प्रकाश की किरण जा रहे हैं बेटा इस बिंदु से, और यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे वस्तु ए बी है, यहाँ पे क्या है बेटा? ए डैश बी डैश है। तो बेटा यह क्या होगा? पहले वस्तु का प्रतिबिंब होगा, यह क्या होगा? पहले वस्तु का प्रतिबिंब होगा, दोनों होगा। यहाँ पे किरण वास्तव में मिल रहे हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। तो जो प्रतिबिंब होता है बेटा क्या होगा? प्रतिबिंब आप लोग लिख लेना, हम बोल दे रहे हैं, प्रतिबिंब होता है बेटा, क्या होता है प्रतिबिंब? किसी वस्तु से कम दो प्रकाश की किरण चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात, किसी वस्तु से, देखो बेटा किसी वस्तु से कम दो प्रकाश की किरण चलकर, देखो एक यहाँ से गया है एक यहाँ से गया है, किसी वस्तु से कम दो प्रकाश की किरण चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, लिख लेना आप लोग, किसी वस्तु से कम दो प्रकाश की किरण चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे पहले बिंदु का क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब कहते हैं। कर लोगे आप लोग? कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है आभासी होता है, एक होता है वास्तविक होता है। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक वास्तविक होता है और एक क्या होता है बेटा? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी होता है। ठीक है, दो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक एक आभासी, आप लोग देख लेना। देखो वास्तविक क्या होता है बेटा, हेडिंग डाल के वास्तविक लिखना, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात किरण वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो गया बेटा, मिटाते हैं इसको, फिर चलते हैं अगले हेडिंग की तरफ कि अगला हेडिंग क्या कह रहा है। चलो अगला हेडिंग है बेटा क्या? दर्पण। दर्पण क्या होता है? क्या होता है बेटा? आ जाओ हेडिंग डालते हैं बेटा, दर्पण। प्रतिबिंब पढ़ चुके हम लोग, दर्पण देख लेते हैं। दर्पण क्या होता है बेटा? आ जाओ दर्पण देखते हैं। दर्पण क्या होता है बेटा? कोई चिकना पारदर्शी क्या हो बेटा? कोई चिकना पारदर्शी तल के, मान लिया यह एक चिकना पारदर्शी तल है, देखो यह एक बेटा चिकना पारदर्शी तल है, हम खींच दे रहे हैं बेटा ऐसे, यह क्या है? एक चिकना पारदर्शी तल है। किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पे कलई या लेप कर दिया जाए और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक तल बना दिया जाए तो इसको क्या कहते हैं बेटा? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दर्पण कहते हैं बेटा। एक कलई या लेप लगा दिया जाएगा और इसको क्या बना दिया जाएगा बेटा? परावर्तक तल बना दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी चिकने या मतलब क्या बेटा, किसी चिकने पारदर्शी तल के एक तल को कलई या लेप लगा दिया जाए और दूसरे तल को परावर्तक तल बना दिया जाए तो क्या कहलाता है बेटा? वह दर्पण कहलाता है। ठीक है, कर लोगे बेटा? दर्पण जो होते हैं क्या होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं,
यह होता है बेटा दर्पण भी दो प्रकार का। कौन कौन सा? ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक समतल दर्पण, क्या होता है बेटा? समतल दर्पण। नंबर दो क्या होता है बेटा? नंबर दो होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण होता है। नंबर एक समतल दर्पण, नंबर दो गोली दर्पण, दोनों होते हैं बेटा। समतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक तल समतल हो, क्या कहलाता है बेटा? समतल दर्पण कहलाता है। और गोली दर्पण क्या होता है बेटा? जब किसी हम गोले से दर्पण को काटते हैं, जैसे बेटा खोखला गोला ऐसे हो और इससे मतलब ये गोला हो बेटा और इससे दर्पण को काट लिया जाए ऐसे, और यहाँ से बेटा इसको अगर काट लेंगे बेटा गोले से, तो देखो इस प्रकार दो दर्पण हमको मिलेगा। अगर हम इसके अंदर वाले भाग को क्या करें, लेप कर दें ऐसे, और इसके बाहर वाले भाग को ऐसे क्या करें बेटा, लेप कर दें। ठीक है, इतना आप लोग समझ में आया होगा। एक काटे थे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो गोली दर्पण बेटा जिसका परावर्तक तल, ये देखो क्या होगा बेटा, परावर्तक तल यह क्या है? गोल है। इसका भी परावर्तक तल क्या है बेटा? गोल है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल गोल होता है या गोली होता है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण क्या होता है बेटा? जिसका परावर्तक तल गोल होता है वो तो क्या कहलाता है? गोली दर्पण। यह भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है बेटा अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। तो बेटा यह हो जाएगा अवतल दर्पण, यह होगा अवतल दर्पण, यह होगा बेटा उत्तल दर्पण। ठीक है, यह हो जाएगा उत्तल दर्पण। देखो अवतल दर्पण क्या होता है बेटा? जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हो, क्या हो बेटा? परावर्तक तल अंदर की तरफ दबा हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। उभरा, देखो बेटा उभरा, उभरा है ना, उभरा और क्या है? उत्तल। उभरा रहेगा बेटा उत्तल, और अवतल मतलब अंदर की तरफ, तो अंदर जब रहेगा बेटा अव हो जाएगा। अंदर मतलब अवतल दर्पण और उभरा मतलब उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इतना आप लोग कर लिए। इतना करने के बाद चलते हैं आगे, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, इतना आप लोग कर लोगे बिंदास। चलो आ जाओ, उसके बाद बाबू मिटाते हैं इसको। हो गया बेटा, इतना हम लोग देख लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो इसके आगे देखते हैं बेटा, समतल दर्पण और गोली दर्पण की थोड़ी सी खासियत देखते हैं बेटा। गोली दर्पण का हम लोग देख लिए हैं, समतल दर्पण का देख रहे हैं बेटा। इसकी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है, क्या होता है बेटा? समतल दर्पण जो होता है इसमें बेटा एक नंबर में पूछ लेता है, समतल दर्पण में क्या होता है बेटा? इसकी वस्तु की दूरी जो होती है बाबू, वस्तु की दूरी जो होती है ये प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। क्या होता है बेटा? प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? जो वस्तु की दूरी होगी वह प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी। इतना आप लोग कर लोगे। वस्तु का जो आकार होता है इसमें बेटा, वस्तु का आकार जो होता है क्या होता है बेटा? इसके प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ जाएगा, प्रतिबिंब के आकार के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और समतल दर्पण की क्या होती है बेटा? फोकस दूरी जो होती है क्या होता है? फोकस दूरी यह बेटा इसकी अनंत होती है। कोई एक नंबर में हमेशा पूछा जाता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बेटा, बताना रहता है। तो क्या करोगे आप लोग बिंदास, बता लोगे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बेटा? अनंत होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हम चलते हैं गोली दर्पण में, और गोली दर्पण के कुछ मैटर देखते हैं बेटा, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो गोली दर्पण जो होती है बेटा, इसमें देखना एक हम लोग पढ़े अभी को कौन सा अवतल दर्पण, एक पढ़े कौन सा बेटा उत्तल दर्पण। यह मान लिया यह हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, इसको कर लोगे आप लोग बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होना पाएगा, नहीं होने पाएगा बेटा। यहां से यह हमारी कौन सी दर्पण है?
अवतल दर्पण, शायद उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा यह अवतल दर्पण। और यह कौन सा दर्पण है बेटा, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये क्या होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, इतना कर लोगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो बेटा इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है दर्पण के, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी बेटा दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, मध्य बिंदु जो होगा दर्पण का क्या हो जाएगा ध्रुव हो जाएगा, बेटा पोल हो जाएगा। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतने जोश और होश के साथ करते रहना। उसके बाद बाबू यह दर्पण एक गोले से काटा जाता है, तो गोला जब बनाओगे कुछ इस प्रकार बनेगा। गोले का कोई केंद्र रहा होगा, तो बेटा मान लिया है गोले का केंद्र रहा होगा, इसे क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं क्या, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले का भी कोई केंद्र रहा होगा बेटा, बनाओगे इसका भी कोई केंद्र रहा होगा, तो मान लिया ये है, इसको कहेंगे बेटा क्या, वक्रता केंद्र कहेंगे। ध्रुव को नीचे लिख लो, नहीं फिलहाल लिखे हैं, हो जाएगा बेटा। उसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा जो होती है, इससे होकर जो रेखा जाती है, इसको कहते हैं बेटा मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है बेटा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। और वक्रता केंद्र से लेके बेटा यहाँ तक की दूरी, कहाँ तक की, ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इतना आप लोग कर लोगे। उसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, एफ से प्रदर्शित करते हैं इसको। ये सेम होगा बेटा, इसके और इसके बीच जो मध्य बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। उसके बाद बाबू इसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इतना आप लोगों को उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, इतना नोट कर लो। फिर चलते हैं आगे, पूछता ध्रुव क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। कर लोगे बेटा, आ जाओ आगे, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, मिटाएं इसको बेटा। उसके बाद अगला हेडिंग डालो बेटा, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, बनने का नियम। हेडिंग डालो बेटा, गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने का नियम। लिखना बेटा, गोली दर्पण से प्रतिबिंब के बनने का नियम। बेटा गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं, देखो इसके चार नियम होते हैं, मुख्य रूप से तीन होते हैं, लेकिन हम लोग चारों नियम को आराम से देख लेंगे। क्या होगा बेटा, यह एक अवतल दर्पण है। क्या है, यह एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण हो जाएगा, यह इसका सेंटर पॉइंट पोल ध्रुव हो जाएगा। ये बेटा ऐसे जाएगी, इसको कहेंगे मुख्य अक्ष, मान ली यहाँ पर बिंदु है जिसे वक्रता केंद्र कहेंगे बेटा, इसका मध्य बिंदु है मुख्य फोकस। ठीक है बेटा, ऐसे अगर देखोगे यह हो जाएगा बेटा उत्तल दर्पण हो जाएगा, अगर बनाएंगे हम लोग क्या होगा, यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे, जो मुख्य अक्ष होगा यह ध्रुव होगा, मान लिया वक्रता केंद्र हो जाएगी यहाँ कहीं पे, तो जाने दो यहाँ पे वक्रता केंद्र, इसके मध्य बिंदु मुख्य फोकस हो जाएगा। ठीक है बेटा, इतना आप लोग कर लोगे। पहला नियम क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखना, बताने जा रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अगर दर्पण से परावर्तन हो परावर्तित होगी बेटा, कहां से जाएगा, मुख्य फोकस से जाएगा। ये पहला नियम होता है बेटा, कौन सा पहला नियम होता है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाता है, मुख्य फोकस से जाता है। ऐसे बेटा इसका देखोगे, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरण आएगी, मान लिया ऐसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, क्या होगा बेटा, यह इधर पार करके नहीं जाएगा,
और ये चला जाएगा बेटा तुरंत इधर चला जाएगा ऐसे, ये बेटा मुख फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ये बेटा पहला नियम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यह समझ में आया होगा। ठीक है, क्या लिखना कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती है या यहाँ पे जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम हो गया बेटा। दूसरा नियम क्या होता है, सेम इसी का अपोजिट, मुख फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। मान लिया बेटा हम कोई प्रकाश की किरण मुख फोकस से लेके जा रहे हैं, ये बेटा आ रहा, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा बेटा, यह मुख अक्ष के समांतर जाएगी। सेम कंडीशन इसमें भी यही होगा बेटा। मान लिया हम कोई प्रकाश की किरण यहाँ से लेके जा रहे हैं बेटा, यहाँ से लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, लग रहा है मुख फोकस से होकर जाएगा, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगा बेटा, यार मुख अक्ष के समांतर जाएगा। इतना कर लोगे आप लोग। तीसरा नियम क्या होता है बेटा कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, देखो अगर ऐसे जा रही है प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र से, इससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ऐसे देखोगे बेटा इसमें वक्रता केंद्र से जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत अगर हो रही है, देखो ऐसे प्रतीत हो रही है, ऐसे जाएगी बेटा इसी माध्यम में वापस लौट आएगी। चौथा होता बेटा ध्रुव पे मुख अक्ष से किसी कोण पर, किसी एंगल पे अगर प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है उतने ही एंगल पे बेटा है क्या होगा, यह वापस लौट जाएगी। सेम कंडीशन इसमें भी होगा बेटा। चारों कंडीशन हम लोग देख लिए, चार प्रकार से प्रकाश की किरण जाएगी। अब उसको इसको अब बेटा हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कैसे भी करके इसको कोई भी प्रकाश की किरण कहीं से भी आए हम उसको निपटा देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ इसी जुनून के साथ, चलो आते हैं बेटा इसको मिटाते हैं और देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग डालो आप लोग, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये बेटा गोली दर्पण था, चलो इसमें पहला हेडिंग डालो बेटा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या बेटा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें जब देखोगे बेटा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो क्या होगा आप लोगों के लिए बता दे रहे हैं। इसमें बाबू अवतल दर्पण होता है, देखना ध्यान से, यह एक अवतल दर्पण है। मान लिया क्या है, अवतल दर्पण है ये बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट समझ लेना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाए, कोई काट नहीं सकता। यह बेटा मुख अक्ष हो जाएगा, यह मान लिया ध्रुव हो गया, यह मान लिया वक्रता मुख फोकस हो गया, यह मान लिया वक्रता केंद्र हो गया। तो बेटा इसमें कई कंडीशन होते हैं। पहला होता है बेटा जब वस्तु कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे रखा हो, ये पहला कंडीशन होता है। दूसरा बेटा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हो, यह दूसरा कंडीशन होता है। तीसरा होता है बेटा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो। चौथा होता है बेटा जब वस्तु वक्रता केंद्र मुख फोकस के बीच रखा हो। पांचवा कंडीशन होता है बेटा कि जब वस्तु मुख फोकस पे रखा हो। और छठवां कंडीशन होता है बेटा जब वस्तु मुख फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो। बेटा ये छह कंडीशन होती है, छह कंडीशन हमें पता होना चाहिए, कहाँ पे वस्तु रहेगा तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यह हमको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है पूरा। अगर ये इतना पता रहेगा आप लोगों को फिर आगे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे कर लोगे आप लोग अगर उतना पता रहेगा तो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ, तो पहला लिखना बेटा, क्या लिखोगे, जब वस्तु पहले कहाँ पे है, अनंत पे, फिर बेटा अनंत वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र पे, फिर मुख फोकस वक्रता केंद्र के बीच, मुख फोकस पे और बेटा फोकस ध्रुव पे, फोकस और ध्रुव के बीच। तो आ जाओ करते हैं पूरे जोश और होश के साथ, क्या है लिखना, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु कहाँ हो बेटा, अनंत पर हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तब देखना बेटा यह हमारा अवतल दर्पण है, क्या है, यह हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, इतना कर लोगे बाबू, यहां से नहीं तो थोड़ा सा और इधर बना देते हैं, थोड़ा सा और इधर बना दो बेटा, यह क्या है, अवतल दर्पण है, इतना कर लोगे। उसके बाद बेटा यह मुख अक्ष है, यह ध्रुव हो जाएगा, यह मुख फोकस हो जाएगा और यह वक्रता केंद्र हो जाएगा। यहाँ अनंत है बेटा, अनंत पे वस्तु रखा है, तो अनंत में जो वस्तु रखा रहेगा बेटा तो समांतर किरणें आएंगे। ठीक है, दो समांतर किरणें अगर आ रही हो तो समझ लेना वस्तु कहाँ पे रखा है, अनंत पे रखा है। ये हो जाएगा बेटा हमारा आपतित किरण,
और यह आने के बाद कहां से जाएंगे, मुख्य कक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से आती है बेटा, मुख्य फोकस से। यह हो जाएगा परावर्तित किरण। कितना कर लोगे आप लोग, क्या होगा, यह हो जाएगा परावर्तित किरण कर लोगे बेटा। उसके बाद दूसरी किरण मान लीजिए इसके समांतर ऐसे लेके आ रहे हैं, यह भी आ रहा आपतित किरण, यह भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा। तो दोनों कहां पे मिल रहे हैं बेटा, यहां पे मिल रहे हैं मुख्य फोकस पे। इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा बेटा, प्रतिबिंब जो बनेगा कहां पे बनेगा, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनेगा। कहां पे बनेगा बेटा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, इतना कर लोगे। कैसा बनेगा, दोनों किरण वास्तव में मिल रहे हैं तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। कितना आप लोगों को समझ में आया होगा, कर लोगे। जब पूछे अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर और कैसा बनता है, मुख्य फोकस पे, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा एक बिंदु के आकार का बनता है। दूसरा बेटा, जब वस्तु अनंत और वक्रता के अंदर मतलब सी के बीच हो तब कहां पे बनेगा बेटा, देखना, यह हमारा एक अवतल दर्पण है, मान लिया यह एक अवतल दर्पण है। कितना कर लोगे आप लोग, यह बेटा हो जाएगा मुख्य अक्ष, यह ध्रुव, यह मुख्य फोकस, यह वक्रता केंद्र। तो बेटा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ कहीं पे रख दे हम वस्तु को, यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी बेटा, मुख्य फोकस से। कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से। उसके बाद मान लिया दूसरी किरण हम मुख्य फोकस से लेके जा रहे हैं बेटा दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यह किरण कहां से जाएगी बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों जहां पे मिलेंगे बेटा वहां पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कहां पे बनेगा बेटा, ये मान लिया ए और बी है, इसका प्रतिबिंब यह बन जाएगा ए डैश बी डैश, ठीक है बेटा। प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। कहां पे बनेगा बेटा, यहां पे लिख लेना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के, मुख्य फोकस के बीच। कैसा बेटा, वास्तविक बन रहा है, वास्तव में दोनों किरणें मिल रहे हैं, उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक उल्टा था, वस्तु से देखो छोटा बना, वस्तु बड़ा है। कर लोगे इतना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आ जाओ इसको मिटाते हैं, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या कह रहा है, अब बाबू अगला क्या है, जब वक्रता केंद्र पर हो, सी पर हो, कहां हो बेटा, वक्रता केंद्र पर सी पर हो, तो क्या होगा बेटा, यह मान लिया अवतल दर्पण है। यह हमेशा पूछा जाता है बेटा, बार बार, यह ई वाला इसमें से बार बार पूछा जाता है, ठीक है। यह मुख्य अक्ष है, ये बेटा मुख्य फोकस है, यह क्या है, वक्रता केंद्र है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है बेटा तो यहां से प्रकाश की किरण जाएगा मुख्य फोकस से वापस आएगा, ठीक है, ये आपतित किरण या परावर्तित किरण। फिर मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण जाएगा बेटा मुख्य अक्ष के समांतर वापस आएगा। थोड़ा सा बेटा यह एक मिनट, ये ऐसे जाएगा और यह भी ऐसे जाएगा, दोनों आके बेटा कहां पे, यहां पे मिलेंगे। यह बेटा हो जाएगा ए बी, यह होगा ए डैश बी डैश। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है बेटा, वक्रता केंद्र पर, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु जितना बड़ा, वस्तु के बराबर। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है वस्तु को कहां पे रखा जाए, उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है, तो कहां पे बेटा, या वस्तु कहां पे रखा जाए, उसका प्रतिबिंब भी वहीं पर बनता है, तो कहां पे बेटा, वक्रता केंद्र पे। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, कर लोगे इतना। चलो आ जाओ उसके बाद बाबू, वक्रता केंद्र हो गया मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, सी और मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, के बीच जब रहेगा वस्तु, क्या होगा, यहां से बेटा हम अवतल दर्पण अगर बनाए, ये हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण, ठीक है, ये होगा अवतल दर्पण। यह बेटा क्या होगा, ध्रुव होगा, यह क्या होगा, मुख्य फोकस होगा, यह वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच बेटा अगर हम वस्तु को रख दें, यहां से जाने वाली प्रकाश की किरणें, इसको मान लिया ए बी, बेटा जाएगा मुख्य फोकस से वापस आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी किरण हम मान लिए यहाँ पे ध्रुव पे किसी एंगल पे लेके जाएंगे, तो क्या करेगा बेटा, यह भी इसी किसी एंगल पे, मतलब जितने एंगल पे जाएगा उतने एंगल पे क्या होगा बेटा, यह भी वापस आएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ए डैश
बी डैश। कैसे मिल रहे हैं बेटा? वास्तव में मिल रहे हैं, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा हो जाएगा। इतना कर लोगे बेटा, फिर वस्तु कहाँ पे हो? मुख्य फोकस पे हो। कहाँ हो बेटा? वस्तु यथ पर हो। अगर यथ पर हो तब क्या होगा बेटा, देखना। यहाँ पे अगर हम वस्तु को यथ पे रख रहे हैं, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। ये हो गया बेटा ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ पे बेटा हम रख दें अगर मुख्य फोकस पे, यहाँ से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य फोकस से वापस लौट आएगी, ठीक है। अब बाबू यहाँ से लेके जाओगे, उसके बाद इसको ध्रुव पे लेके जाओगे किसी एंगल पे, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से वापस लौट जाएगी। दोनों जाते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और दोनों का प्रतिबिंब बनेगा बेटा कहाँ पर? अनंत पर। तो कैसा? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा कहां पर बेटा? अनंत पर बनेगा। जब वस्तु कहां हो? मुख्य फोकस पे हो। इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो उसके बाद बेटा कहां पे? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच आ जाओ।